हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम पोर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका एग्जाम पोर डिफेंस वॉरियर में स्वागत करती हूँ। हम एग्जाम पोर कलम से क्रांति और आप लोगों का स्वागत एग्जाम पोर डिफेंस वॉरियर में। तो जल्दी से सब लोग आ जाइए, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जहाँ हमने कल पे एंड की थी। तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर के हम क्वेश्चन को कर रहे थे ना, सॉफ्टवेयर रिलेटेड एमसीक्यूज। तो यहाँ पर वही से स्टार्ट करेंगे, आज ही क्लास में सॉफ्टवेयर के एमसीक्यूज होंगे, मतलब 15 से जहां से हमने कल छोड़े थे। और कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज की क्लास मेनली आपकी एमसीक्यू बेस्ड है। जिन भी स्टूडेंट्स को भाई बहुत मन होता है कि हम लोगों को एमसीक्यू करना है, हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए, तो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट क्लास है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, एक बार जल्दी से भाई क्लास को लाइक करके शेयर कर देना ताकि और स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ सके, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से एग्जाम पोर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक क्लास आप लोगों को नोटिफिकेशन थ्रू अवेलेबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंक्लूड प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइकन या फिर इंफॉर्मेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब वो कौन सा सिस्टम होता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉरी जिसके अंदर प्रोग्राम भी होता है और जिसके अंदर आपका अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस भी होता है, प्रोग्राम भी हो इंस्ट्रक्शंस भी हो, किसके अंतर्गत आएगा? तो बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर देखो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो मैंने इसकी एक हायरार्किकल चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई थी। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो सबसे पहले आते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले आते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस जिसको हम बोलते हैं अनुदेश, सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रक्शंस जिसको अनुदेश बोला जाता है। इंस्ट्रक्शंस से ही मिलकर प्रोग्राम बनता है, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन से ही मिलकर क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम से मिलकर ही सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, प्रोग्राम से मिलकर ही किसको बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर किया था भाई ऑप्शन बी या सॉफ्टवेयर, आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? द इंस्ट्रक्शंस विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए? तो जो अनुदेश या जो इंस्ट्रक्शंस बहुत इजी वे में आप अंडरस्टूड कर सकते हो, समझ सकते हो, उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा आपका यूजर फ्रेंडली, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, उसको यूजर फ्रेंडली बोला जाता है। यूजर मतलब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, फ्रेंडली मतलब उससे फ्रेंडली है, आसानी से हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। क्लियर, तो यहां पे अगर आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है, वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वो क्या कहलाता है बताइए? द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द वे अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स एंड प्रोवाइड्स द मींस बाय विच अ यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या होगा वो, मतलब कौन करता है इतना भयंकर काम, किसको दिया गया है? प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड, या इनमें से कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर आप इसकी पहली लाइन पढ़ लोगे ना तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा, पूरा इसका रामायण
पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नियंत्रण या कंट्रोल करने का काम किसका होता है? एक तो कंट्रोल यूनिट का होता है, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंट्रोल यूनिट ऑप्शन में दिख नहीं रही, ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, तो डायरेक्टली आंसर कर दो। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात बताते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने कल भी आपको बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी क्लियर करवाई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो के बीच में समन्वय स्थापित करता है, यूजर के और हार्डवेयर के। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, मतलब यूजर की बातें हार्डवेयर को समझाना, हार्डवेयर की बातें यूजर को समझाना, ये जो काम होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट करते हैं तो बूट रूटीन ये टेस्ट क्या कहलाता है? इसमें गड़बड़ मत करना, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था जब मेमोरी पढ़ाई थी तो भी, और कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द कंप्यूटर बूट्स द बूट रूटीन परफॉर्म दिस टेस्ट। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम जो बूट होता है वो कितने टाइप का होता है, बूटिंग या बूट। अगर हम बूट की बात करते हैं तो बूट आपका ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका कोल्ड बूट और एक होता है आपका वार्म बूट। क्लियर? कोल्ड बूट होता है जब आपका कंप्यूटर बंद आप कर दो, या फिर बंद पड़ा है कंप्यूटर उसको खोल दो, भाई चला हुआ कंप्यूटर बंद कर दो तो भी ठंडा पड़ जाएगा, और बंद कंप्यूटर खोलोगे तो भी ठंडा ही है, अभी काम थोड़ी ना कर रहा है वो। वार्म की अगर मैं बात करती हूँ तो वार्म आपका होता है जब आपका कंप्यूटर चालू होता है, चलते हुए कंप्यूटर को आप बंद करके दोबारा चला रहे हो, बेचारा एक तो गर्म था, ठंडा करा दोबारा से गर्म कर दिया उसको, तो वो वार्म बूट कहलाता है। क्लियर? तो ये दो तरीके की बूट प्रक्रिया होती है। बूट इज अ टाइप ऑफ टू टाइप, है ना, दो टाइप के होते हैं बूट, कोल्ड बूट एंड वार्म बूट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसको पोस्ट टेस्ट बोला जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और ये सीधा सीधा किससे रिलेटेड होता है, तो ये बायोस चिप से रिलेटेड होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म हो जाती है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बायोस की, और यही पोस्ट टेस्ट करता है। कैसा करता है? ये पोस्ट टेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? जब हम कंप्यूटर के अंदर विंडो को इंस्टॉल करते हैं या जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया काम में आती है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं, या कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो व्हेन यू बूट द कंप्यूटर, देन व्हेन यू बूट, जब भी आप बूट करोगे तो इनमें से क्या काम होगा, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉपीड फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, या पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड, या कंप्यूटर्स शट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सॉरी, जब बूटिंग किया जाएगा कंप्यूटर में या बूट करते हैं तो इनमें से क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिस्क से रैम में आता है। भाई आप किसी भी हार्ड डिस्क से या किसी से भी आप पहले उसको अपने कंप्यूटर के रैम में लोगे, रैम में आने के बाद ही तो वो कॉपी होगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में, और तभी आपको चला कर देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है बूटिंग की, पहले आप डिस्क से उस मैटर को उठाओगे रैम में, रैम में आने के बाद धीरे धीरे फिर वो स्टोर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव में, और फिर जब भी आपको काम करवाना होता है तो वहीं से डाटा को फैच कर लिया जाता है या डाटा को रीड कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर, मैंने कल आपको तीनों चीज़ें पढ़ाई थी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, क्या पढ़ाया था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर क्या होता है? अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हायर लेवल इनटू ए मशीन लैंग्वेज, मशीन रिटन प्रोग्राम या प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंपाइलर क्या होता है, क्या काम होता है कंपाइलर का, ऐसा क्या काम कर देता है भाई ये, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी में बदलता है, तो वो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है।
अब ये जो उच्च स्तरीय या हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, कोबोल हो गई, फॉर्टेन हो गई, बहुत सारी भाषाएं हैं, और मशीनरी भाषा हमारी 01 हो गई, इसमें बदलने का काम करता है। अब दोनों का काम सेम है भाई, कंपाइलर भी वही काम कर रहा है और इंटरप्रेटर भी वही काम कर रहा है, कंपाइलर भी वही काम कर रहा है, इंटरप्रेटर भी वही काम कर रहा है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है। अंतर आता है कहाँ पर, कि इनके बदलने के तरीके पर। कंपाइलर जो होता है वो पूरा डाटा एक साथ पढ़ता है फिर उसको बदल देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके डेटा को पढ़ेगा फिर उसको बदलेगा, एक लाइन पढ़ेगा फिर बदलेगा, ऐसे करता है। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फॉगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेड, डिस्क रीस्टोर, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आइडेंटिफाइज अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी एंड रीअरेंजेस द डिस्क स्पेस सो दैट द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑप्टिमली इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क रीस्टोर, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो, डिस्क से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आती है ना, डिस्क के अंदर अगर स्पेस बना रहे हो, जगह बना रहे हो ताकि मेमोरी को स्टोर कर सकें, हम लोग डीवीडी सीडी देखते हैं ना, तो डिस्क के अंदर आपकी वो चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, मूवी आप गाने सुनते हो, वीडियोज़ देखते हो, वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो वो उसके लिए जो जगह बनाई जाती है ना उसको डिस्क डीफ्रेगमेंटर बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, डिस्क के अंदर जो जगह बनाई जाती है ना वो किसके अंदर आती है, उसको डिस्क डीफ्रेगमेंटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के भी समझ सकता है, क्या है कोई ऐसी भाषा, चलो बताओ। द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर एक्सप्लेन विदाउट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के, ना तो उसको इंटरप्रेटर की जरूरत है, ना उसको कंपाइलर की जरूरत है, और ना ही उसको असेंबलर की जरूरत है, तो कैसे समझेगा कौन सी भाषा है। अमेरिकन लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, तीनों की तीनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में, तो देखो वो मशीनी भाषा ही है, वो कौन सी है, तो वो मशीनी भाषा ही है। मशीनी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो वो 0110 मतलब डिजिटल फॉर्म में होती है, और कंप्यूटर भी हमारी यही भाषा समझता है, तो जो मशीनी भाषा है आपकी वही होगी जिसको कंप्यूटर को कंपाइलर की या इंटरप्रेटर की किसी भी तरीके की भाषा अनुवादक की या लैंग्वेज कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इनमें से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एक ऐसी सेवा है जिसे संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है, क्या पूछा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, देयर इज अ सर्विस दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट देयर ऑन वेबसाइट, इनमें से कौन सी ऐसी सेवा है जिसे संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति मिल जाती है, हम अपनी वेबसाइट खुद बना लेते हैं, बना सकते हैं, तो ये किसके अंतर्गत है, चलिए तो बताइए यहाँ पे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देयर इज अ सर्विस, वो कौन सी सर्विस के थ्रू ऐसा संभव है, वेब होस्टिंग होती है, वेब सर्फिंग होती है, डोमेन होस्टिंग होती है, लाइनक्स होस्टिंग होती है, या विंडोज होस्टिंग होती है, क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिल्कुल ठीक इसका ऑप्शन ए वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के तहत ही आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं हमारी वेबसाइट की बात करती हूँ तो www.example.com, ये क्या है हमारी ओरिजिनल, अगर एग्जाम्पल ऑफिशियल जो हमारी ओरिजिनल है ये वेबसाइट हो जाएगी। तो इसकी परमिशन भी कब मिली, जब हमने वेब होस्टिंग से ली तभी हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो हो जाते हैं हमारे किसके, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने करे सॉफ्टवेयर के। अब मैं क्वेश्चंस और भी लेकर आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम आज ही देखेंगे। आज का सेशन पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी और कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को भी मिलेंगी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे भी फटाफट फटाफट से आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है आपसे, पूछा है यहाँ पे द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। इंटरनेट सबसे पहले कौन सी एजेंसी का नेटवर्क था। अगर आपने इनमें से कुछ क्वेश्चंस पहले किए हैं तो और अच्छा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो हर चीज़ की होनी बेहद जरूरी होती है, बहुत बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर बताना है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर वन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या चलो क्वेश्चन नंबर वन में क्या होगा, ये यहां पे आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा आरपा। यहां पे अगर नेट लिखा होता तो और अच्छा होता, बट नहीं लिखा है तो आरपा इज सफिशियंट। आरपा नेट की अगर मैं बात करती हूं तो अमेरिका में सबसे पहले ये नेटवर्क बना, और अमेरिका में जो नेटवर्क बना इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्या है, तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्पानेट की। क्लियर, ये आर्पानेट की फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आर्पानेट। सबसे पहले अमेरिका में बना हुआ नेटवर्क था, इंटरनेट के बीज भी इसने ही बोए। अमेरिका के बाद जब 1970 में जब ये भाई बहुत दबाव डाला गया, भाई आपके पास अगर ऐसा इतना भयंकर नेटवर्क है आप क्यों नहीं शेयर करते सब कंट्री के साथ, तो इन्होंने इसके अंदर एक नियम कानून लगा दिया, एक प्रोटोकॉल लगा दी TCP/IP, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी की क्या हो जाती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब ये दोनों प्रोटोकॉल लग गए, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इंटरनेट को फैला दिया गया, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल। अगर आप किसी व्यक्ति को मेल भेजना चाहते हो, ईमेल इज कॉल्ड अ पत्र लेखन। अगर हिंदी में हम लिखते हैं, पहले हम क्या भेजते थे, पत्र भेजते थे, अब हम मेल भेजते हैं। तो अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हो या पत्र लेखन भेजना चाहते हो, तो आप मतलब इनमें से कौन सी वेबसाइट या कौन सा ईमेल एड्रेस है जो बिल्कुल सही होगा, जहाँ पर ईमेल जा सकता है। name@website, BCD। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट, एक बार जल्दी से यहां पे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही यहां पर आंसर हो जाएगा आपका। देखो अगर हम बात करते हैं, पहले नाम आना चाहिए, फिर @website.info, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जब भी हम ईमेल की बात करते हैं ना, ईमेल के अंदर दो चीज़ मेन होती हैं। सबसे पहले आता है आपका यूज़र नेम, उसके बाद आता है आपका @, और फिर आता है आपका डोमेन नेम। यूज़र नेम, @, डोमेन नेम, इसके अंतर्गत हम किसी भी वेबसाइट को मतलब किसी भी ईमेल को लिखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चले, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे क्या दे रखा है आपको।
ईमेल जीमेल एक ही चीज है। देखो ईमेल अब आप गूगल पे बनाओगे तो जीमेल के नाम से जाना जाता है, याहू पे बनाओगे याहू मेल, माइक्रोसॉफ्ट पे बनाओगे हॉटमेल, तो सेम थिंग है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की हम बात करते हैं तो पूछा है भाई HTML इज यूज टू क्रिएट, HTML को HTML बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है, मतलब HTML को किस चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, HTML की जो कोडिंग होती है वो इनमें से क्या बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, HTML की फुल फॉर्म क्या हो जाती है पहले ये देखेंगे हम। HTML की फुल फॉर्म हो जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म हो जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर हम टैग का इस्तेमाल करते हैं और हम इसको बनाते हैं किसके लिए, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। HTML को किसके लिए बनाया जाता है, तो HTML को बनाया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, क्लियर। चलो HTML को बनाया जाता है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो HTML बनाया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, द कंप्यूटर जैगरॉन WWW स्टैंड फॉर, WWW ये किसके लिए स्टैंड करता है, चार बार अगर मैं WWW लिख दूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ वेब, वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वेब या वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वीक। क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आंसर करना है यहां पे। चलो तो यहां पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर है इसका वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जिसको 1990 में किन्होंने बनाया, तो टिम बर्नर्स ली, 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला वेब ब्राउजर था, वेब ब्राउजर का मतलब होता है इंटरनेट से जुड़ना, हम इंटरनेट से कब जुड़ पाते हैं, जब वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजर से ही आप इंटरनेट से जुड़ पाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नॉन एज, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नॉन एज, इंटरनेट पर सर्वर को एक के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, इंटरनेट पे जो सर्वर होते हैं आप उनको किस रूप में जानते हैं, इंटरनेट पे जो सर्वर होते हैं आप उनको किस रूप में जानते हैं बताइए, हब होस्ट गेटवे या रिपीटर, इंटरनेट पर सर्वर को किन रूप में जाना जाता है, आंसर बताना है यहां पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से क्वेश्चन नंबर फाइव का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इंटरनेट पर एज अ सर्वर का काम करता है होस्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो होस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपको पूरी जानकारी दे, मतलब एज अ सर्वर जो आपको पूरी जानकारी दे, जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर, जो भी चीज़ हमारे चिंटुक लाल अपने फ़ोन पे या इंटरनेट पर सर्च करते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन या पूरी जानकारी देने का उत्तरदायित्व किसका होता है, सर्वर का, और वहीं पर होस्ट भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, अ यूज़र कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग, एक उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करके दूसरे कंप्यूटर से फाइलें प्राप्त कर सकता है, HTTP के द्वारा, टेलनेट के द्वारा, UTP के द्वारा या FTP के द्वारा, याद रखना वो फाइल की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर सिक्स का कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा,
बताना है यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी या फिर डी। तो देखो जब भी हमें फाइल ट्रांसफर करने की बात की जाती है, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको फाइल को ट्रांसफर करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह फाइल को ट्रांसफर करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम एफटीपी का इस्तेमाल करते हैं। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है अगर हम बात करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने का। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, द इक्विपमेंट नीडेड टू अलाउ होम कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज कॉल्ड अ, बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन में होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक उपकरण को क्या कहा जाता है। मतलब हम अपने कनेक्शन को, यहाँ पे तो हम अपना फ़ोन चला रहे हैं, हम अपने होम कनेक्शन को इंटरनेट से जोड़ सकें और फिर यहाँ से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको डाउनलोड कर सकें या अपनी डिटेल इंटरनेट पर अपलोड कर सकें, तो ये जो काम हम लोग करते हैं ये हमको किससे, मतलब किसके द्वारा हमको ये परमिशन दी जाती है, या ऐसा कौन है जो हमको ये कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एक तरीके से किसके द्वारा ये परमिशन आप लोगों को या हम लोगों को दी जाती है, तो किसके थ्रू ये परमिशन मिलती है बताइए यहाँ पे, किसके थ्रू ये परमिशन मिलती है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एक बार जल्दी से यहाँ पे आंसर बताना है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन की, तो इसका आंसर गेटवे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। गेटवे क्या है, तो गेटवे कंप्यूटर का नेटवर्क डिवाइस है। गेटवे क्या है, तो गेटवे आपका एक कंप्यूटर का नेटवर्किंग डिवाइस है, ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसके तहत डिवाइस, ठीक है, जिसके तहत क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर को किससे जोड़ सकते हो, हम अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं किससे, तो आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी शेयर अ सिंगल चैनल, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी सिर्फ एक चैनल को शेयर करती है, रिंग बस ट्री स्टार, जल्दी से क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर एट का क्या हो जाएगा भाई, एक सिंगल चैनल की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, यहां पर एक शेयर अ सिंगल चैनल, सिंगल चैनल की बात की जा रही है, एक सिंगल स्टेशन की। अगर मैं बोलूं यहां पे 5-6 कंप्यूटर एक साथ हैं और एक ही सिंगल वायर से, सिंगल चैनल से सबको कनेक्ट कर रखा है, तो वो किसके अंदर होता है, ये हम सबको पता है, बस के अंदर होता है। बस जो आपकी टोपोलॉजी होती है, देखो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, नहीं, कंप्यूटर को जोड़ने का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उसी को टोपोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी में एक ही सिंगल चैनल होता है। स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब होता है जिसमें आपस में कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। रिंग टोपोलॉजी का जो आकार होता है वो रिंग के अनुसार होता है, और ट्री टोपोलॉजी दो टोपोलॉजी को मिलाकर बनाई जाती है। ट्री टोपोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर बना देती हूँ, इसके अंदर बस टोपोलॉजी भी होती है और इसके अंदर हब भी होता है, इसके अंदर बस टोपोलॉजी भी होती है और हब भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सिंगल चैनल पूछी थी, तो सिंगल चैनल सिर्फ बस के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट, इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा मुख्य प्रोटोकॉल कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर नाइन का बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए बताना है भाई आप लोगों को जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन में। क्वेश्चन नंबर नाइन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी, मेन प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई यहां पर आंसर करना है आप लोगों को। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया है यहां पर, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
9 की, तो इसका TCP/IP अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में ये इंटरनेट बना था और अमेरिका में इसका नाम रखा गया था ARPANET. ARPANET मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और इसको TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल से जोड़ा गया और तब जाकर ये इस्तेमाल में आया. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर WWW? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग WWW में किया जाता है? मतलब आपके पास जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, इस पर जितने भी पेजेस अपलोडेड हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पे अवेलेबल है, इसको क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है, उन सारी जानकारियों को लेने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा HTTP. उसकी सारी जानकारी आपको इसी प्रोटोकॉल में मिलती है और फुल फॉर्म है इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्लियर. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 है, TCP इज अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल एट. TCP इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल पर इस्तेमाल की जाती है? TCP का इस्तेमाल इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल पे किया जाता है? बताइए, TCP का इस्तेमाल इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल पे किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या डेटा लिंक लेयर? अब देखो, आपको लेयर से OSI मॉडल याद आया. OSI में 7 लेयर होती हैं. सबसे नीचे आती है आपकी फिजिकल लेयर, उसके ऊपर आती है आपकी डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर आती है आपकी नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके ऊपर आती है आपकी सेशन लेयर, उसके ऊपर आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, उसके ऊपर आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर. जो बीचों बीच वाली लेयर है, बीचों बीच, 7 का बीच क्या होगा? चौथा हिस्सा. फोर्थ नंबर पे ट्रांसपोर्ट लेयर है और यहीं पे हम TCP का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी दिया था भाई, वेरी वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही है. ठीक है, आगे चलिए. ओके, क्लियर. चलो, वेरी वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, सही आंसर यहाँ पर आप लोग कर रहे हो. ओके, आगे चलते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स. आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे? इंटरनेट का पर एक होस्ट अपने द्वारा एक और होस्ट को लाता है, वो क्या कहलाता है? अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड अनदर होस्ट. एक होस्ट दूसरे होस्ट को ढूंढ रहा है इंटरनेट पर, वो क्या कहलाता है? पोस्टल एड्रेस, IP एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस या नन ऑफ दीज. तो एक होस्ट के द्वारा दूसरे होस्ट के एड्रेस को ढूंढना, वो क्या कहलाएगा? बताना है आप लोगों को यहां पर क्या हो जाएगा यहां पे सही. चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार जल्दी से बताना है भाई, जल्दी से बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा. तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पोस्टल एड्रेस कहलाता है. क्या कहलाता है? तो पोस्टल एड्रेस कहलाता है. ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड वाइड वेब पेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मल्टीमीडिया पेजेस दिस दैट द पेजेस मे कंटेन. मतलब इनमें से कौन से पेज को आप मल्टीमीडिया पेज कह सकते हो? इनमें से कौन सा पेज आपका एक मल्टीमीडिया पेज कहलाएगा? टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट पिक्चर साउंड हो, जिसमें टेक्स्ट और पिक्चर्स हो, जिसमें वीडियो क्लिप भी हो, साउंड भी हो, टेक्स्ट भी हो, पिक्चर भी हो, जिसमें नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी ना हो. क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. मल्टीमीडिया पेज, वेब पेज का मतलब क्या है? जिसमें सारी चीज़ें हों, जिसके अंदर हमको वीडियो क्लिप भी दिख जाए, साउंड भी दिख जाए, पिक्चर्स भी दिख जाए, हर एक चीज़ दिख जाए. क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है आपको? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज. इंटरनेट पे आप कौन सी प्रोटोकॉल के तहत बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो? तो कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पे? कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे, बताना है आपको. यहाँ पे क्या दे रखा है आपसे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है
HTTP, WWW, TCP/IP या FTP। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, एक बार बताना है जल्दी से आंसर करके। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? यहां पे आंसर करेक्ट होगा आपका कौन सी प्रोटोकॉल। देखो WWW कोई प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो WWW होता है इस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं हैं, उन सब पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद लेनी पड़ेगी। तो अगर आप फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, टेलीग्राम खोलते हो, कुछ भी खोलते हो कम्युनिकेशन के लिए, तो आपको इससे ही गुजर कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे HTTP ऑप्शन ए करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड The seeds of internet. मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट के बीज लगाए थे वो कौन सा था? ARPANET, NSFNET, VNET या both? A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, तो एक बार जल्दी से आंसर करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। और इसका आंसर बिल्कुल ARPANET हो जाएगा। अमेरिका में सबसे पहले ARPANET ही आया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी, क्वेश्चन नंबर 16, द इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का काम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये होमवर्क में हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पूछा गया है द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, कैसे है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस को संभालता है, दो कंप्यूटर के बीच में सबसे तेज काम मार्ग को ढूंढता है, सुनिश्चित करता है कंप्यूटर के बीच के कनेक्शन को या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क हो जाएगा, जिसका बहुत ही जरूरी आपको ऑफलाइन कमेंट करना। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, अगर एक भी परसेंट, हाँ किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो वो भी आप बता सकती हो, ठीक है, ओके। चलो तो क्लास को करते हैं हम क्या, यहाँ पे क्लास को हम लोग यहाँ पे करते हैं एंड। मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 4 बजे और बेहतर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, फीडबैक देना है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, और आपके जितने भी ग्रुप हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे पेज पे आप जुड़े हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, हर जगह क्लास को शेयर कर दें। और एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें कि रैंकर्स बैच लेकर आ रहा है आपके लिए, एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर रैंकर्स बैच। जैसे कि आप लोगों को पता है NDA का रिजल्ट एप्लीकेशंस के स्टूडेंट्स ने बहुत बेहतरीन दिया है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला ऑनलाइन चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर बन चुका है। तो उसी के तहत आपका एक रैंकर्स बैच लाया जा रहा है ना, कि अब मेरिट में तो आएंगे ही आएंगे पर रैंक के साथ आएंगे। तो वही चीज है, जल्दी आप लोगों को पता है बेसब्री से इंतजार है, तो इसको शेयर कर देना जितना हो सके, और बहुत जल्द इसकी क्लासेस और इसके एप्लीकेशन पे सारी चीजें होनी शुरू भी हो जाएंगी। चलिए क्लास को करते हैं, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 4 बजे और अच्छे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।